नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त डॉक्टर अंशुल महाजन, कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट, मानस क्लिनिक टैगोर नगर लुधियाने से आप सबका यूट्यूब लाइव स्वागत करता हूँ। हेलो एवरीवन। सो आज का जो मेरा टॉपिक है वह है काउंसलिंग। काउंसलिंग के बारे में आप सब लोगों ने तो बहुत ही सुना होगा और जानकारी भी होगी, पर मैं आपको काउंसलिंग के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। काउंसलिंग एक प्रोसेस होता है गिविंग एडवाइस या गिविंग गाइडेंस टू द पेशेंट। ये कौन कैरी कर सकता है काउंसलिंग? एक साइकेट्रिस्ट या एक साइकोलॉजिस्ट करते हैं। काउंसलिंग के दौरान हम तीन चीज़ों पर फोकस करते हैं। सबसे पहले आपकी सेल्फ अंडरस्टैंडिंग पे, नंबर टू आपकी बेसिक साइकोलॉजिकल वेलबींग पे, तीसरा होता है आपकी अपनी पर्सनल ग्रोथ पे। अब आजकल काउंसलिंग एक इसेंशियल कमोडिटी बन चुकी है। जिस प्रकार इंसान को पानी पीना ज़रूरी है, जिस प्रकार इंसान को खाना खाना ज़रूरी है और नींद प्रॉपर लेना ज़रूरी है, उसी प्रकार आपको अपनी मुश्किलों का सामना करने के लिए आपको काउंसलिंग जैसे हथियार की ज़रूरत है। तो काउंसलिंग अब किस किस लोगों में की जा सकती है? काउंसलिंग हम जैसे आपको मैं बताना चाहूँगा, आजकल सुसाइड के रेट बढ़ते जा रहे हैं, इमोशनल प्रॉब्लम्स बढ़ते जा रहे हैं, स्ट्रेस इतना हो गया है कि लोगों से हैंडल ही नहीं होता, जिनके कारण उनको मेंटल हेल्थ अफेक्ट हो रहा है, जिसके कारण डिप्रेशन या एंजाइटी बढ़ता जा रहा है। बच्चे से लेके बूढ़े तक, बच्चों में बच्चा स्कूल जाता है, स्कूल होमवर्क नहीं कर पाया, अगले दिन उसको डर लगेगा कि टीचर मुझे डांटेगी, तो उसको डर लगा रहता है। इस केस में काउंसलिंग बड़ी हेल्पफुल होती है। या फिर टीनेजर्स होते हैं जो ड्रग्स लेते हैं, जो अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं, या जो रिलेशनशिप्स में होते हैं, रिलेशनशिप्स टूटने पर भी लोग सुसाइड के आइडिएशंस होती हैं की तरफ चले जाते हैं। आजकल के जो टीनेजर्स हैं, इमोशनल डिस्टर्बेंस, उनमें इरिटेबिलिटी की भावना बहुत ज़्यादा देखी जाती है। डिप्रेशन हो गया, एंग्जाइटी हो गया, अल्कोहलिज्म की प्रॉब्लम हो गई, या ड्रग अब्यूज़ हो गया, या फिर एडजस्टमेंट इश्यूज होते हैं, मैरिटल रिलेशनशिप्स या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, और फाइनेंस में प्रॉब्लम, घर वर्क प्लेस में प्रॉब्लम, किसी ने बुली कर दिया तो प्रॉब्लम, तो हस्बैंड वाइफ में झगड़ा हुआ तो प्रॉब्लम, तो इन केसेस के लिए हमें काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ती है। काउंसलिंग कब तक करनी चाहिए? देखिए, काउंसलिंग तब तक करनी चाहिए जब तक मरीज को या इंडिविजुअल को अपनी बीमारी से सुधार नहीं आता है। अब इसके सेशंस फॉलोइंग होते हैं। कुछ लोग रेगुलर सेशंस के लिए आते हैं, कुछ लोग वंस और ट्वाइस वीक के लिए आते हैं, कुछ लोग थ्राइस वीक के लिए आते हैं, तो कुछ लोग वंस इन 10 डेज आते हैं। सो ये था मेरा वीडियो ऑन काउंसलिंग। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।